आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म थ्री इडियट के बारे में। दोस्तों, यह एक तीन दोस्तों की कहानी है जो इस फिल्म में दिखाई गई है। यह बहुत ही ज़्यादा फिल्म पसंद की गई थी लोगों द्वारा, और आज मैं इसी फिल्म के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, थ्री इडियट फिल्म को रिलीज़ किया गया था 25 दिसंबर 2009 को, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार ईरानी जी ने, और इस फिल्म का बजट रखा गया था करीब 35 करोड़ रुपए, और इसने भारत में कुल कमाई की थी 395 करोड़ रुपए की। दोस्तों, इस फिल्म में हमें जो कलाकार नजर आए थे वह थे आमिर खान, करीना कपूर, आर माधवन, शर्मन जोशी, बोमन ईरानी, ओमी वैद। दोस्तों, इस फिल्म में एक कॉलेज दिखाया गया है जिसमें यह तीनों दोस्त अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, तो हम वीडियो में अभी आगे उस कॉलेज को भी देखेंगे और इस फिल्म से जुड़े कुछ मैं ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस फिल्म से जुड़े फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों, फिल्म के दौरान आपने इस सीन को ज़रूर देखा होगा जहाँ यह तीनों दोस्त पानी की टंकी के नीचे बैठकर शराब पीते हैं। दरअसल इस शॉट को पूरा रियल दिखाने के लिए शराब का प्रयोग किया गया था, पर ये शराब ज़्यादा हो जाने के कारण तीनों दोस्त आपस में ही अपने डायलॉग भूल जाते थे, जिससे बार बार टेक लेने पड़ते थे और इस शॉट को निभाने में बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी। दोस्तों, अब हम चलते हैं फिल्म के अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों, आपने इस फिल्म के अंदर इस शॉट को ज़रूर देखा होगा जहां चतुर सिंह एक दीवार पर सुसु करते हैं। दरअसल यह एक स्कूल की दीवार थी जहां पर इस शॉट को फिल्माया गया था, और इस शॉट को फिल्माने के बाद यह जब फिल्म ये रिलीज़ की गई थी तो यह दीवार बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, और बाद में इस दीवार को काफ़ी दूर दूर से पर्यटक देखने आने लगे थे। तो स्कूल के स्टाफ द्वारा इस दीवार को अच्छी तरह से रंग पेंट करके इस दीवार को एक नाम दे दिया गया था जिसका नाम था द इडियोटिक वॉल के नाम से। तो अब हम बात कर लेते हैं फिल्म में दिखाए गए कॉलेज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, इस कॉलेज को कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के नाम से पहचाना जाता है, और इस फिल्म के ही दौरान इस कॉलेज के शॉट लिए गए थे। तो अभी मैं आपको बारी बारी करके सभी शॉट दिखाता हूँ, आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को इंजॉय करें।